हे गाइस वेलकम टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड टूडे वी आर गोइंग टू लर्न फ्यू मोर इडियम्स एंड फ्रेजेस फॉर एग्जांपल एट रैंडम एट अ लूज एंड एट लॉगर हेड्स एन एप्पल ऑफ डिस्कोर्ड एंड एट क्रॉस पर्पसेस सो लेट्स स्टार्ट तो आज हम इस वीडियो में पांच और इडियम्स के बारे में जानेंगे तो चले शुरू करते हैं तो पहला है हमारा एट रैंडम रैंडम मीन्स होता है जो अनियमित हो अनियमित इसका मतलब क्या होता है अनियमित या क्रम रहित और भी इसके मीनिंग होते हैं जो बिना सोचे समझे या एकाएक किया हुआ या बिना किसी उद्देश्य के तो एट रैंडम इसका यह लिटरल मीनिंग हो गया इसका यहाँ पे मीनिंग क्या निकलेगा बिना किसी उद्देश्य के एम मीन्स होता है उद्देश्य लेसली मीन्स जो उद्देश्य रहित है तो बिना किसी उद्देश्य के बिना किसी उद्देश्य के ओके okay, जिसका कोई पर्पस नहीं है तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखोगे एग्जाम्पल में द मिलिटेंट फायर्ड एट रेंडम किलिंग लॉट ऑफ इनोसेंट पर्सनस इनोसेंट इनोसेंट पर्सन मीन्स होता है निर्दोष व्यक्ति जिनका कोई दोष ना हो निर्दोष व्यक्ति ओके okay, मिलिटेंट्स होता है उग्रवादी उग्रवादी जिन्होंने हथियार ले लिए हो तो इसका अर्थ क्या हुआ उग्रवादियों ने बहुत से निर्दोष व्यक्तियों की बिना सोचे समझे हत्या कर दी या क्रमरहित या बिना किसी उद्देश्य के हत्या कर दी द मिलिटेंट फायर एमलेसली किलिंग अ लॉट ऑफ इनोसेंट पर्सन किलिंग मीन्स होता है हत्या करना या मर्डर करना ओके okay? समझ में आ गया नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हमारा एट अ लूज एंड लूज मीन्स होता है ढीला एंड मीन्स होता है अंत पर तो मीन्स ढीले अंत पर ढीले अंत पर इसका मीनिंग क्या हुआ अनऑक्यूपाइड जो कि किसी, किसी निर्लिप्त है ओके मीन्स जो किसी चीज में ऑक्यूपाइड नहीं है तो आइडल का मतलब होता है निष्क्रिय मीन्स किसी चीज में नहीं लगे हुए हो आलसी हो और इसका मतलब होता है किसी चीज में नहीं लगे हो तो निर्लिप्त ओके तो इसका सेंटेंस में यूज देखेंगे अ डेज ही इज एट अ लूज एंड बिकॉज ही वॉज ही हैज वाउंड हिज बिजनेस वाउंड अप मीन्स एक्चुअली यहाँ पे होता है घायल करना बट बिजनेस घायल करने का मतलब क्या होगा सत्यानाश करना ओके okay? सत्यानाश करना या डिस्ट्रॉय कर देना या बिजनेस में लॉस हो जाना तो ये सारे मीनिंग्स हो जाएंगे तो अ डेज मीन्स हो गया आजकल आजकल ही इज एट अ लूज एंड मीन्स आजकल वह खाली बैठा है या आजकल वह निष्क्रिय है क्योंकि उसने अपने व्यवसाय का सत्यानाश कर दिया है बिजनेस हो गया व्यवसाय ये सिचुएशन तो अभी कोविड के कोविड नाइन्टीन की वजह से पूरी पूरे पूरी दुनिया में ही देख सकते हो आप तो यहाँ पे क्या है नाव अडेज ही इज एट लूज एंड बिकॉज ही हैज़ वाउंड हिज बिजनेस समझ में आ गया नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हमारा एट अ एट लॉगर हेड्स लॉग मीन्स होता है लठ ये लठ आप देख रहे हो इसका मतलब होता है लॉग log. लॉगर क्या हो गया लकड़हारा हेड मीन्स होता है जो हमारा सर रहता है तो मीन्स एक लकड़हारे का सर और या लट्ठ का सर ऐसे इसका मीनिंग हम निकाल सकते हैं लॉगर हेड एक टर्टल की प्रजाति होती है जैसे ये सी टर्टल आप देख रहे हो तो ये टर्टल ये नॉर्मल टर्टल है इसका सर देखो आप तो ये जो सर है इसमें छोटा होता है इसका सिर लेकिन जो आ, सी टर्टल की प्रजाति होती है इसको हम लॉगर हेड्स बोलते हैं लॉगर हेड एक प्लेस का नाम भी है तो इसमें क्या होता है इसका जो है इस सर होता है थोड़ा चौड़ा रहता है जैसे आप देखो इसमें इसकी अपेक्षा थोड़ा चौड़ा रहता है इसलिए इसको लॉगर हेड टर्टल बोलते हैं बट ये लॉगर हेड वर्ल्ड का ओरिजिन ये फ्रेज का ओरिजिन कहाँ से हुआ है इस एडियम का ओरिजिन कहाँ से हुआ है ये टर्टल से रिलेटेड नहीं है इसका मतलब क्या होता है एक स्टूपिड पर्सन और स्टूपिड पर्सन बेसिकली इसलिए जिसका मतलब जो सर है ना वो लठ का हो कि लठ का बना है कि उसमें कुछ भी घुसेगा नहीं मीन्स मूर्ख व्यक्ति तो यहाँ पे इसका जो मेटाफोरिकल मीनिंग क्या हुआ वो हुआ टू बी एट स्ट्राइफ मीन्स कलह में होना और कलह पर होना या मीन्स झगड़े पर होना ओके okay? कलह पर होना तो स्ट्राइफ मीन्स क्या होता है कलह सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे द पार्टनर्स ऑफ अवर फॉर्म आर एट लॉगर डेज तो हमारे फॉर्म के साझेदार इन दिनों कलह पर हैं पार्टनर मीन्स हो गया साझेदार तो हमारी फॉर्म के साझेदार इन दिनों कलह पर है एट लॉगर हेट्स डीस डेज डीस डेज़ मीन्स हो गया इन दिनों ओके नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हमारा एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड मीन्स होता है जो कलह का की जड़ हो मीन्स डिस्कॉर्ड मीन्स होता है वैसे झगड़ा या कलह ओके एप्पल का तो मीनिंग सबको पता है तो ऐसा एप्पल जो कलह का सेब हो मीन्स जो झगड़े की जड़ हो तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कॉज ऑफ क्वैरल मीन्स झगड़े का कारण क्वैरल मीन्स भी होता है झगड़ा या लड़ाई और ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्राइफ मीन्स ऐसा ऑब्जेक्ट जो कलह का ऑब्जेक्ट हो ओके जो कलह की चीज हो इतना समझ में आया तो यहाँ पे क्या है इसको हम बोल सकते हैं कि झगड़े का कारण झगड़े का कारण या झगड़े की जड़ पल में हम देखेंगे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ डिस्कोर्ड बहनों के बीच में जो पैतृक संपत्ति है वह झगड़े का कारण है एन एप्पल ऑफ डिस्कोर्ड है ओके टू सिस्टर दो बहन है बिटवीन मीन्स होता है दो बहनों के बीच में एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मीन्स जो आपकी पूर्वजों की संपत्ति है मीन्स पैतृक संपत्ति इसको क्या बोलेंगे हम हिंदी में पैतृक संपत्ति संप... ओके फिर सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है कश्मीर कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान तो जो कश्मीर है या कश्मीर है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक कलह का कारण है ओके ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्राइक मीन कलह का कारण है या झगड़े का कारण है थर्ड मनी इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉड अमंग देम जो पैसा है वह उनके बीच में झगड़े का कारण है या कला का कारण है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हमारा एट क्रॉस पर्पसेस क्रॉस का साइन ऐसा होता है जो आपस में मिलता नहीं है एक दूसरे को काटता है और पर्पस क्या होता है उद्देश्य किसी का पर्पस क्या होता है वो क्या होता है उद्देश्य या एम तो इसका मीनिंग क्या हो गया एट क्रॉस पर्पिस मीन्स ऐसे उद्देश्य पर जो एक दूसरे को काटते हो मीन्स विरोधी उद्देश्यों पर ओके okay? तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा हैव कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंशंस मीन्स परस्पर विरोधी इरादे रखना परस्पर कॉन्फ्लिक्टिंग मीन्स होता है विरोधी जो एक दूसरे के अपोजिट हैं जो एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्टिंग टर्म्स में है इंटेंशंस मीन्स होता है इरादे ओके okay? तो परस्पर विरोधी इरादे रखना अब इसका सेंटेंस में यूज देखेंगे हाउ कैन देयर बी अ पीस इन देयर फैमिली उनके परिवार में शांति कैसे हो सकती है पीस पीस मीन्स होता है शांति शांति तो उनके परिवार में शांति कैसे हो सकती है वेन हजबेंड एंड वाइफ और एट क्रॉस पर्पसेस जब पति और पत्नी एक दूसरे के विपरीत इरादे रखते हो या एक दूसरे से विरोधी इरादे रखते हो, ठीक है या उनके इरादे या उद्देश्य एक दूसरे को काटते हो, समझ में आ गया सो so, आज के वीडियो में इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड हैव अ ग्रेट डे